अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो रही 34वें दिन की सुनवाई के दौरान दलीलें रखी गई। सुनवाई के दौरान रामलला विराजमान ने कहा कि हम मध्यस्थता में भाग नहीं लेंगे। इससे पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से शेखर नाफड़े ने जिरह शुरू की। जिरह के दौरान नाफड़े ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कई दूसरे मामलों के फैसले का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने भी 1885 के फैसले को माना था। कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों के सीमित अधिकारों को माना था, लेकिन बाद में हिंदुओं ने अपना अधिकार बढ़ाने की कोशिश की और सीता रसोई पर दावा भी किया, जबकि हिंदुओं का अंदरूनी आंगन में कोई अधिकार नहीं था। इस बात को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने भी माना था। जिरह के दौरान नाफड़े ने कहा कि हिंदुओं का वहां पर सीमित अधिकार था और उस जगह पर मस्जिद मौजूद थी, अंदरूनी आंगन मस्जिद का हिस्सा था। नाफड़े ने कहा कि तब रघुबर दास ने निचली अदालत में कहा था कि वह पूरे हिंदुओं की तरफ से है, इसलिए 1885 के फैसले पर रेस ज्यूडिकेटा यानी एक बार फैसला होने पर पक्षकार उस मुद्दे पर दोबारा मामला दाखिल नहीं कर सकता, लागू होता है। नाफड़े ने अपनी दलील में कहा कि रघुबर दास के महंत होने को सभी ने माना और इस दावे को किसी ने भी चुनौती नहीं दी। 1885 का फैसला भी यही कहता है। उन्होंने कहा कि सवाल यह नहीं है कि कोर्ट ने क्या कहा था, सवाल यह है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट को क्या बताया था। निर्मोही अखाड़ा ने भी रघुवर दास को महंत माना था। नाफड़े की इस दलील पर जस्टिस बोबड़े ने कहा कि याचिका में रघुवर दास ने खुद को हिंदुओं का प्रतिनिधि नहीं बताया था और न ही मठ का प्रतिनिधि बताया था। इस पर नाफड़े ने कहा कि याचिका में रघुवर दास ने खुद को पूजा स्थल का महंत बताया था, जिसको कोर्ट ने भी माना था। इसका यही मतलब हुआ कि उन्होंने खुद को हिंदुओं का प्रतिनिधि माना था। उन्होंने कहा कि महंत किसका प्रतिनिधित्व करता है, कानून के हिसाब से महंत मठ का प्रतिनिधित्व करता है। यह साफ है कि मौजूदा मुकदमा और 1885 का मुकदमा दोनों एक ही जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि 1885 में इन्होंने केवल एक हिस्से पर दावा किया था और अब ये पूरे विवादित क्षेत्र पर अपने मालिकाना हक की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है कि 1885 में महंत रघुवर दास का केस सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था या नहीं। इसका जवाब हाँ है तो हिंदू पक्ष दूसरा मुकदमा नहीं दाखिल कर सकता। बता दें, CJI रंजन गोगोई ने साफ कहा है कि 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी होनी है। इस मुद्दे को जानबूझकर लटकाने और भटकाने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि डेडलाइन के अंदर ही सब काम होगा, किसी को बहस के लिए उतना ही समय दिया जाएगा जितना तय है। दरअसल प्रधान न्यायाधीश चाहते हैं कि राम मंदिर पर फैसला उनके कार्यकाल में आ जाए। CJI गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर रोजाना सुनवाई के 35वें दिन भी दलीलें दी गयी। सुप्रीम कोर्ट में अब हिंदू पक्षकारों की तरफ से रामलला के वकील के परासरन ने अपनी दलील रखनी शुरू की। हिंदू पक्ष के वकील परासरन ने भगवद गीता के कुछ श्लोक को पढ़ा और एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में माने जाने वाले स्थान पर जोर दिया। परासरन ने कहा कि अगर लोगों का विश्वास है कि किसी जगह पर दिव्य शक्ति है तो इसको न्यायिक व्यक्ति माना जा सकता है। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने परासरन की दलील पर टोकते हुए कहा कि इनके सभी उदाहरण में मंदिर था, यह एक मंदिर के रूप में बताया गया है। परासरन ने कहा कि लोगों के विश्वास के साथ पूजा स्थल को मंदिर कहा जा सकता है। मंदिर पूजा स्थान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है। राजीव धवन ने कहा कि सिर्फ कुछ यात्रियों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर मंदिर था, हिंदुओं ने वहां पर पूजा इस स्थान से शुरू की। जस्टिस भूषण ने पूछा कि क्या एक या दो न्यायिक व्यक्ति होंगे भूमि और राम। परासरन ने कहा कि वहां पर दो से ज्यादा न्यायिक व्यक्ति होंगे। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि इनमें से कुछ प्रमुख देवता होते हैं और अन्य भी होते हैं। रामलला विराजमान के वकील के परासरन ने कहा कि राम नवमी को भगवान राम का जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन यह भगवान राम के जन्म स्थान पर नहीं मनाया जाता, इसलिए जन्मभूमि पर मंदिर बनवाकर भगवान राम के जन्म स्थान पर ही राम नवमी को मनाना चाहिए। हिंदू पक्ष के वकील CS वैद्यनाथ ने कहा कि जब एक बार साबित हो गया
कि उस जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था, तो वहां पर किसी भी मूर्ति की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लगातार कह चुका है कि इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाए। 18 अक्टूबर के बाद फैसले के लिए कम से कम एक महीने का समय चाहिए होगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की ओर से कहा गया था कि अगर 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म नहीं होती है तो इसका फैसला टल सकता है। उच्चतम न्यायालय में 36वें दिन अयोध्या मामले की सुनवाई हुई। रामलला की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम पक्षों का तर्क है कि विवादित संरचना के नीचे एक एक ईदगाह की दीवार थी या एक इस्लामिक संरचना थी, जो सही नहीं है। मुस्लिम पक्ष की बहस का जवाब देते हुए वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथ ने एएसआई की रिपोर्ट पर दलीलें दी। उन्होंने तस्वीरों के जरिए यह बताया कि विवादित ढांचे के नीचे पिलर था, विवादित ढांचे के नीचे एक संरचना मौजूद थी। वकील वैद्यनाथ ने अलग अलग सबूतों के जरिए यह बताया कि केंद्रीय गुंबद ही भगवान राम का जन्मस्थान है। रामलला के वकील ने अदालत को बताया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे एक विशाल संरचना के अस्तित्व को लेकर ऐसे सबूत मौजूद हैं जिन पर शक नहीं किया जा सकता है। उत्खनन सामग्री से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँ पर एक मंदिर मौजूद था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि यह कैसे साबित होगा कि ढांचे के नीचे जो खंभों के आधार मिले थे वो एक ही समय के हैं। रामलला के वकील वैद्यनाथ ने कहा कि एएसआई रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि 46 खंभे एक ही समय के हैं। खुदाई में मिली कमल की आकृति, सर्कुलर श्राइन, परनाला सब वहां मंदिर को मौजूदगी को साबित करते हैं और ये सब संरचना उत्तर भारतीय मंदिरों की खासियत है। मामले की सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक पीठ मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में कर रही है। अयोध्या मामले में 37वें दिन की सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या इस बात का कोई सबूत है कि बाबर ने बाबरी मस्जिद को कोई इमदाद दी हो। इस पर राजीव धवन ने कहा कि उस दौर में इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है, सबूत मंदिर के दावेदारों के पास भी नहीं है। राजीव धवन ने कहा कि 1855 में एक निहंग वहां आया और उसने वहां गुरु गोविंद सिंह की पूजा की और निशान लगा दिया था, बाद में सारी चीजें हटाई गई। मुस्लिम पक्ष की ओर से राजीव धवन ने कहा कि मुस्लिम 5 बार नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद पर जबरन कब्जा किया गया है। राजीव धवन ने अदालत में कहा कि सांप्रदायिक विभाजन का आरोप मुसलमानों पर लगाया जाता है, लेकिन ये हिंदू पक्ष पर भी लागू होता है। जब उन्होंने बाबरी मस्जिद को ढहाया था, इसके पहले 1934-1949 में भी ऐसा ही किया गया था। राजीव धवन ने कहा कि ये बाबर पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का इल्जाम लगाते हैं। बाबर कोई विध्वंसक नहीं था, मस्जिद तो मीर बाकी ने बनाई। सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन ने कहा कि 1934 में दंगा फसाद के बाद ही ये तय हो गया था कि हिंदू बाहर पूजा करेंगे, तो 22-23 दिसंबर 1949 की रात हिंदू इमारत में कैसे गए। संविधान के अनुच्छेद 12 के जरिए देश भर के सार्वजनिक संस्थान भी नियमित किए गए। उन्होंने कहा कि 1934 में दंगों के दौरान इमारत को नुकसान पहुंचा और धारा 144 लगाई गई। उन्होंने कहा कि 1934 में मस्जिद पर हमले के बाद नुकसान की भरपाई और मस्जिद की साफ सफाई के लिए मुस्लिमों को मुआवजा भी दिया गया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने के लिए 18 अक्टूबर तक की तारीख तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट।